नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी टीवी 24 यू चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। राजधानी लखनऊ में आज दिनांक 7/3/2022 को विकिंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की छात्राओं में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता पर जागरूकता फैलाने के लिए एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में चिकित्सा विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के छात्रों, नर्सिंग, डेंटल, मेडिकल ने भागीदारी की। कार्यक्रम का संचालन चिकित्सा विश्वविद्यालय के महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्वारा किया गया। मासिक धर्म में स्वच्छता संबंधित जानकारियों का काफी महत्व है, क्योंकि मासिक के दौरान साफ सफाई का अभाव अथवा किसी भी प्रकार की लापरवाही बालिकाओं, महिलाओं के प्रजनन पथ संक्रमण तक कर सकता है। छात्राओं को सामान्य मासिक धर्म चक्र, सुरक्षित मासिक धर्म और स्वच्छता के बारे में शिक्षित किया गया। इसके साथ ही मासिक धर्म में उपयोग में आने वाले विभिन्न नए उत्पादों के बारे में जागरूक भी किया गया। साथ ही संक्रमण के कारणों से संबंधित लक्षणों, उससे संबंधित सावधानियों के बारे में शिक्षित किया गया। परिचर्चा के दौरान सभी पाठ्यक्रमों के छात्र प्रतिनिधियों ने प्रश्न पूछे। सभी छात्राओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में सभी छात्राओं को कैल्शियम युक्त आहार के साथ साथ अन्य पोषण युक्त आहार के महत्व के बारे में भी बताया गया। छात्राओं ने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पर भी अपने प्रश्न पूछे, जिस पर पैनल के विशेषज्ञों ने विस्तार पूर्वक समझाया कि कैसे स्वयं को स्वस्थ और सेहतमंद रखते हुए इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। पैनल के दौरान छात्र प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि पुरुषों को भी ऐसे अभियानों से अवगत कराया जाए। पैनल चर्चा में पैनलिस्ट प्रोफेसर उमा सिंह, डीन अकादमिक प्रोफेसर अमिता पांडे, मुख्य वक्ता प्रसूति और स्त्री रोग विभाग प्रोफेसर पुनीता मणिक, नोडल अधिकारी महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ डॉक्टर रामेश्वरी सिंगल, सार नोडल अधिकारी महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ सम्मिलित है। कार्यक्रम में डॉक्टर निशामणि पांडे और डॉक्टर सुचिति त्रिपाठी, कोर सदस्य महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिवांजलि रघुवंशी, एसोसिएट प्रोफेसर पैथोलॉजी विभाग और महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के कोर सदस्य द्वारा किया गया था। ये कार्यक्रम के जीओमयू में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का एक हिस्सा था। महिला अधिकारिता प्रकोष्ठ का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं का उत्थान के लिए सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करना, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना है। जागरूकता अभियान में लगभग 400 छात्राओं ने भाग लिया और उन्हें 5 और लोगों को शिक्षित करने के लिए कहा गया, ताकि शिक्षा जन जन तक पहुंच सके। सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल के उप संपादक ऑल इंडिया सुनील चौरसिया की खास रिपोर्ट।